निरहुआ की माँ ने संजय पांडे को क्यों कहा राक्षस। जी हाँ, अगर आपको ये खबर जाननी है तो देखिए हमारा पूरा वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी आप जानते होंगे कि प्रवेश लाल यादव की फिल्म घूंघटे में घोटाला की शूटिंग इन दिनों उन्हीं के घर पर चल रही है। जी हाँ, घूंघटे में घोटाला 2 की शूटिंग इन दिनों उन्हीं के घर पर चल रही है। डायरेक्टर मंजुल ठाकुर के अगवानी में बन रही इस फिल्म में आपको कई चेहरे नजर आएंगे और उन्हीं में से हैं भोजपुरी के उम्दा कलाकारों में से एक संजय पांडे। जी हाँ, संजय पांडे अमूमन पर्दे पर विलन की भूमिका निभाते हैं, तो उन्हें कई मर्तबा अपने फैन से गालियां भी पड़ती हैं। लेकिन क्या हो जब उन्हीं के सह कलाकार, उन्हीं के साथ बरसों से काम कर रहे एक्टर की माताजी अगर उन्हें कह उठे कि आप राक्षस लगते हो, ऐसे में क्या रिएक्शन हो संजय पांडे का, वो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट के जरिए पोस्ट करके बताया। उन्होंने कहा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की माँ से मिलने का मौका मिला और आशीर्वाद लिया, तब माँ ने ये कहा कि आप तो वैसे बहुत अच्छे लगते हो लेकिन पर्दे पर तो आप राक्षस लगते हो। तब बदले में संजय पांडे अपनी हंसी रोकते हुए ये लिखते हैं कि इसी का तो मुझे पैसा मिलता है। जब संजय पांडे ने अपनी पूरी बात अपने इंस्टा पोस्ट के जरिए बताई तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हंसने का इमोजीज डाला, तो भोजपुरी के कई बड़े कलाकारों ने इस बात को जानकर हंसी अपनी रोक नहीं पाए। तो क्या आप दिनेश लाल यादव निरहुआ की माताजी की बात से सहमत हैं? है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।